बच्चों कल मैंने आपको विज्ञान में बताया था कि घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ क्या होते हैं। आज हम घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों को प्रोजेक्ट के द्वारा करके देखेंगे। आपसे मैंने कुछ चीजें लाने को कहा था, जैसे कि ये आप लेके आए, क्या लेके आए, ये चीनी, क्या ये चीनी, ठीक है, और क्या लेके आए, क्या मिट्टी, ये क्या है मिट्टी, और उसके बाद आप लेके आए ये नमक, और क्या लेके आए हैं रेता। तो ये हम देखेंगे कि ये जो आप चीज लेके आए हैं रेता, मिट्टी, चीनी, नमक, कि ये पानी में घुलनशील है या नहीं है। हम एक एक बच्चे को बुलाएंगे, वो घोल के देखेगा कि ये पानी में घुलनशील है या नहीं है। फिर हम बोर्ड पे लिखेंगे पदार्थ का नाम और लिखेंगे घुलनशील है या अघुलनशील, ठीक है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा छह। आप क्या कर रहे हैं इस समय? ओके। ये बताइए कि ये जो चीनी आप घोल रहे हैं कि पानी में घुल रही है? हाँ, तो अभी अच्छा अच्छा बच्चों को दिखाओ कि आप घुली है इसमें, ये अच्छा ये थोड़ी सी इसकी इसमें है ये, अच्छा इसको आप और घुमाएंगे तो ये घुल जाएगी इसमें, ठीक है ठीक है। आप करके देखिए, आप देखते हैं घुलती है नहीं। बेटा साहिबा कौन सी क्लास में पढ़ती है? अच्छा। आप क्या कर रही हैं? अघुलनशील। अच्छा आप देख, आप प्रैक्टिकल करके देख रही हैं कि मिट्टी पानी में घुलनशील है या नहीं। आपका प्रोजेक्ट है कि आपने चीजें इकट्ठा करके लाए हैं, ये देख रहे हैं कि ये पानी में घुलनशील है या नहीं से, ठीक है। करिए आप प्रैक्टिकल। और ये क्या है बेटा, दिखाना क्या है, ये मिट्टी। अब इसको कहाँ डालेंगे आप? मिट्टी घुल गई क्या पानी में? दिखाइए दिखाइए, देता कहाँ इसका, देता दिखाइए, खड़ा ऊपर इसको बीकर को ले लीजिए हाथ में। तो ये बच्चों आपने देखा कि मिट्टी जो है पानी में घुल जाती है और इसकी जो कुछ अशुद्धियां हैं वो इसकी तलछटी में रह जाती हैं। तो मिट्टी भी पानी में क्या है? घुलनशील। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? आप क्या कर रही हैं? रेता पानी में घुलनशील है या अघुलनशील? चलिए देखिए, रेता पानी में घुल गया, दिखाइए। अच्छा, ये जो रेता है पानी के नीचे बैठ गया, ठीक है। तो रेता जो है पानी में नहीं घुलता, अघुलनशील है। मिट्टी रेता,
कि ये पानी में घुलनशील है, नहीं तो चीनी क्या है? घुलनशील। मिट्टी क्या है? घुलनशील। नमक क्या है? घुलनशील। और रेत क्या है? अम्लीय। समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, माफ ये वाला।